Good morning everyone, I am Nikita Sharma from DAV Public School, Sikkar. So class UKG, subject maths, chapter 1 है decreasing order, part 2, okay? आपने first part में पढ़ा था decreasing order क्या होता है और हम कैसे use करते हैं कम, कैसे हम sequence से हाईएस्ट वैल्यू से लोएस्ट वैल्यू की तरफ जाते हैं. अब हमें करने हैं इट्स अ रिलेटेड क्वेश्चन. तो देखिए इसका जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है अरेंज द फॉलोइंग arrange the following object in decreasing order. देखिए आपके पास ऑब्जेक्ट्स होंगे, उन ऑब्जेक्ट्स को आपको decreasing order में क्या करना है, अरेंज करना है. तो देखिए हमें और इजीली ये चीज क्या हो सके, अंडरस्टैंड कर पाए, आप लोग समझ पाए. ठीक है, तो देखिए ऑब्जेक्ट्स हैं क्योंकि हमें ये और इजीली समझ में आ जाए. अब देखिए ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं. अब हमें क्या करना है, इनको अरेंज द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. हमें इन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. तो आपको पता है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करते हैं, अगर हमें इसका सॉल्यूशन करना हो तो देखिए हम इनको काउंट भी कर सकते हैं. आपको पता ही है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले कौन से कैसे होते हैं, हम हाईएस्ट वैल्यू से लोएस्ट वैल्यू की तरफ जाते हैं. तो देखिए इस बॉक्स में तो ये ओनली इस बॉक्स में ये सब है और इस बॉक्स में ये सब काइट्स हैं और इसमें ये सब दुखी 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 बहुत सैड सैड है ये तो. और इस बॉक्स में हमारे पास ये सिर्फ कैंडल्स हैं. अब हमें इनको क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा. इस बॉक्स में कितने हैं, 1 2, ओनली 2. तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट क्या है हमारे पास 2, फिर देखिए 1 2 3, फिर क्या है 3, फिर देखिए 1 2 3 4 5. तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 5, फिर देखिए 1 2 3 4, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 4, फिर देखिए 1 2 3 4 5 6, तो क्या आया 6.
अब आपको अगर इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे? आपको पता ही है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले हाईएस्ट वैल्यू का यूज करते हैं। तो 2, 3, 5, 4, 6, तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है सबसे पहले? 6। तो आप क्या लिखोगे? 6। फिर देखिए 2, 3, 5, 4, फिर क्या है? 5। तो आप क्या लिखोगे? 5। फिर देखिए 2, 3 और 4, फिर क्या है? 4। तो आप क्या लिखोगे? 4। फिर देखिए 2 और 3, तो ऑब्वियसली 3। और फिर लास्ट जो बच गया वो लिख दीजिए, वो लोएस्ट वैल्यू है आपकी। तो हमने कर लिया ना 6, 5, 4, 3, 2, ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, अब देखिए हम क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर टू है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। तो देखिए नंबर वन में है आपके पास 15, 5, 10, 20, 19 and 80। अब आपको ये सॉल्व करना है। फिर देखिए सेकेंड नंबर 20, 25, 40, 35, 10 और 9। फिर देखिए थर्ड नंबर है 50, 10, 30, 25, 40 and 20। फिर आपको इसको सॉल्व करना है। फिर देखिए नंबर फोर है 5, 10, 50, 35, 25 and 20। फिर आपको इसको सॉल्व करना है। फिर है नंबर फाइव है 5, 10, 7, 9, 3, 2 and 1। तो देखिए अब आपको इसको सॉल्व करना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो आपको पता ही होता है कि हम कैसे करते हैं, हमें जाना होता है हाईएस्ट वैल्यू से लोएस्ट वैल्यू की तरफ। अब देखिए हमें फर्स्ट को कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले इसमें हाईएस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए फर्स्ट है 15, फिर है 5, फिर है 10, फिर 20, फिर 19, फिर 18। तो आपको पता है इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 20। तो आप क्या लिखोगे? 20। फिर देखिए 15, 5, 10, 19 और 18। तो इसमें है 19। फिर देखिए 15, 5, 10 और 18। तो इसमें क्या है? 18। ठीक है, फिर देखिए 15, 5 और 10, तो क्या है? 15। तो हम क्या लिखेंगे? 15।
फाइव और टेन में से हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? टेन, तो हम लिखेंगे टेन एंड प्लस फाइव, तो हमारा डिक्रीजिंग या हम बोल सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हुआ? 20, 19, 18, 15, 10 एंड 5. अब देखें सेकेंड नंबर 20, 25, 40, 35, 10 और 9. तो देखिए सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 40. फिर 20, 25, 35, 10 और 9, तो फिर है 35. ओके, फिर देखिए 20, 25, 10 और 9, तो फिर है 25. तो हम लिखेंगे 25. फिर देखिए 20, 10 और 9, तो क्या है? 20. हम लिखेंगे 20. फिर है 10 और 9, तो ऑब्वियस 10 बड़ा है, तो हम लिखेंगे 10 आफ्टर 9. ओके, फिर देखिए थर्ड 50, 10, 30, 25, 40 और 20, तो सबसे बड़ा क्या है? 50. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 50. फिर देखिए 10, 30, 25, 40 और 20, तो उसके उस इनमें से बड़ा क्या है? 40, तो हम लिखेंगे 40. ठीक है, फिर आपको पता है 10, 30, 25 और 20 में क्या बड़ा है? 30, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 30. फिर आपके पास है 10, 25 और 20, तो 25 बड़ा है, तो हम लिखेंगे 25. फिर है 10 और 20, तो लिखेंगे 20 एंड लास्ट 10. ओके, फिर देखिए 5, 10, 50, 35, 25 और 20, तो सबसे बड़ा क्या है? 50. हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? 50. फिर 50 से छोटा देखना है, तो 5, 10, 35, 25, 20 में क्या है? 35. हम क्या लिखेंगे? 35. फिर 35 से छोटा 5, 10, 25 और 20, तो क्या है? 25. हम लिखेंगे 25. फिर हमारे पास 3 डिजिट है 5, 10 और 20, तो हम लिखेंगे 20. फिर है 5 और 10, तो हम लिखेंगे 10 एंड 5. फिर देखिए 5, 10, 7, 9, 3 और 2, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 10. फिर 9. फिर क्या है? 5, 7, 3, 2, तो क्या है? 7. फिर है 5, 3, 2, तो क्या है? 5, तो हम लिखेंगे 5. फिर है 3 और 2, तो पहले आएगा 3, फिर आएगा 2. ओके, आया समझ में? इसमें हमें क्या करना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब हाईएस्ट वैल्यू से लोएस्ट वैल्यू की तरफ आना है. इसमें फर्स्ट में देखिए 20 हाईएस्ट है, फिर 19, फिर 18, फिर 15, फिर 10, फिर 5. इसमें देखिए 40, 35, 25, 20, 10, 9. 50, 40, 30, 25, 20, 10. 50, 35, 25, 20, 10 एंड 5. फिर देखिए 10, 9, 7, 5, 3, 2. ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गए होंगे. अगर इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप DAV स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज